हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम होगा तुम्हारा न्यू ब्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इमाम साहब की दरगाह पीरान क्लियर के अंदर, जो कि क्लियर की सबसे बड़ी दरगाह है। दरगाह दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है पीरान क्लियर का बुलंद दरवाज़ा। इसकी ऊँचाई लगभग 130 फुट है। ताजमहल है भाई क्लियर का, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। पब्लिक आती है यहाँ पर घूमने। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, गद्दा लगा हुआ है खेलने का, और यहाँ पर कारें खड़ी हैं। ये देख सकते हैं आप ऊँटे यहाँ पर, और यहाँ पर कारें, जो वहाँ पर कारें खड़ी है ना, ये कार यहाँ पर चलाते हैं रनिंग के लिए। तो गाइस चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको दरगाह शरीफ। पहुँच चुके हैं दरगाह शरीफ के पास, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। हम पहुँच चुके हैं दरगाह के अंदर, वीडियो पूरा देखे मैं आपको दिखाऊँ अंदर से दरगाह शरीफ कैसी है। अब गाड़ी चढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ये आ गई दरगाह शरीफ जान क्लियर की, जो इमाम साहब की है। 70 पीर 72 वलियों के इमाम हैं, कहा जाता है 70 पीर 72 वलियों के इमाम साहब हैं पूरे यहाँ पर। तो नहीं जी आती, और हम पहुँच चुके हैं दरगाह शरीफ के अंदर। ये रही पीछे दरगाह है हमारे, मैं आपको इसे अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये कम्प्लीट दरगाह शरीफ है इमाम साहब की। ये गुंबज है, गुंबज चलते हैं आगे। ये यहाँ पर कवाली गाते हैं, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर देखते हुए। ये मन्नतों का पेड़ है, यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती है, तागे बांधे जाते हैं यहाँ पर, तागे देख सकते हैं आप। चलते हैं अंदर दरगाह शरीफ में। ये भाई बहन की कब्रें हैं दोनों की, इमाम साहब की है, ये इनकी बहन की कब्र है। निकल चें दरगाह शरीफ से, नीचे चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर मन्नत लिखी हुई है, जो जिसकी मन्नत है वो पूरी हो जाती है। और हाजिरी लगाते हैं यहाँ पर, हाजिरियाँ ये देख, यहाँ पर हाजिरी लगा रही है। देख सकते हैं आप, ये पेड़ है। नीचे का नज़ारा है सारा, बहुत ऊँचे पर है दरगाह, देखिए ये सारा नीचे का नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी ऊँचे पर दरगाह बनी हुई है। इधर से पीछे का नज़ारा है, दरगाह का पीछे का नज़ारा है। वजू खाना यहाँ पर वजू करते हैं। ये दरगाह शरीफ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये वजू खाना है, यहाँ पर वजू करते हैं, नमाज के लिए करते हैं, पाक साफ रहने के लिए करते हैं। काफ़ी बड़ा वजू खाना है, ये देख सकते हैं आप। ये वजू कर रहे हैं यहाँ पर, नमाज पढ़ेंगे शायद, जुमे का टाइम होने वाला है। ये दरगाह है पूरी, 70 पीर 72 वलियों के इमाम साहब हैं, देखिए आप। अब चलते हैं हम नीचे की साइड, यहाँ पर इधर से चलते हैं। ये नीचे का नज़ारा है, यहाँ पर ये ढोलक रखा हुआ है, ढोल देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये है नज़ारा यहाँ का, नीचे का ये ढोल रखा हुआ है। ये सामने मेहमान खाना है, और ये इधर इमाम साहब की गद्दी है इधर। मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और हम आपके लिए बनाएंगे सेकंड पार्ट इमाम साहब के नीचे का, जो यहाँ पर गद्दी है, ये देख सकते हैं आप गद्दी। यहाँ पर हम आपको इंशाल्लाह अंदर से दिखाएंगे पूरी, यहाँ पर इमाम साहब बैठते थे। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। मिलते नहीं मुलुक के अंदर। ये सामने मेहमान खाना है, और ये इधर इमाम साहब की गद्दी है इधर। मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।